अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे, ठीक होंगे। वेलकम टू माय चैनल सबा ब्यूटी टिप्स। सो आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ स्किन वाइटिंग बहुत ही जबरदस्त एक इफेक्टिव रेमेडी शेयर करने जा रही हूँ, जिससे आपकी स्किन बहुत ही ज्यादा ग्लोइंग हो जाएगी, आपकी स्किन बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट एंड मुलायम हो जाएगी, जैसे कि बच्चों की स्किन बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट होती है। सॉफ्ट तो होगी और साथ साथ आपकी स्किन बहुत ही ज्यादा व्हाइट और ग्लोइंग होगी। तो जल्दी से जान लेते हैं कि ये जबरदस्ती रेमेडी कैसे बननी है। तो रेमेडी की तरफ जाने से पहले आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है, जो मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम है, न्यू है, वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करे और साथ साथ बेल आइकन के ऑप्शन को ऑन कर दे, साथ ऑल का ऑप्शन आएगा उसे क्लिक कर दे, ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और सबसे पहले फायदा भी आपका। तो शुरू करते हैं रेमेडी बनाना। जी सबसे पहले यहाँ पे मैंने एक क्लीन बोल ले लिया, इसमें लू सबसे पहले हमें चाहिए हनी। तो जी सबसे पहले यहाँ पे मैंने लिया हनी। हनी आपको किसी भी पंसार की शॉप से मिल सकता है, आसानी से आपको मिल सकता है। इससे हमारी स्किन बहुत ही ज्यादा मॉइस्चराइज होती है, इससे हमारी स्किन पे जो डेड सेल्स होते हैं उससे रिमूव करके हमारी स्किन को बहुत ही ज्यादा व्हाइट एंड ग्लोइंग और मुलायम बना देता है। तो हाफ चम्मच हम लेंगे। हाफ चम्मच हम ले लेंगे हनी। तो जी ये देख सकते हैं आप, हाफ चम्मच मैंने इसमें हनी ऐड कर दिया है। तो जी नेक्स्ट हम इसमें ऐड करेंगे मिल्क, जो के हमारी स्किन को बहुत ही ज्यादा व्हाइट बनाता है। हमारी स्किन पे जो ओपन पोर्स होते हैं उसमें जाकर हमारी डेड सेल्स स्किन को रिमूव करके हमारी स्किन को बहुत ही ज्यादा व्हाइट बना देता है, ग्लोइंग करता है। इससे हमारी स्किन बहुत ही ज्यादा ना सॉफ्ट हो जाती है। मैंने इसे 1 वीक यूज किया है, मेरे हैरत की इंतहा नहीं थी, इसके बहुत ही कमाल के रिजल्ट है। नेक्स्ट और लास्ट हम इसमें ऐड करेंगे लेमन जूस। तो लेमन से हमारी स्किन पे जो डेड सेल्स होते हैं, दाग धब्बे होते हैं, उन्हें रिमूव करके ना ये हमारी स्किन को करता है बहुत ही ज्यादा व्हाइट। तो तकरीबन 4 से 5 ड्रॉप हम इसमें ऐड करेंगे लेमन जूस। तो जी तकरीबन 4 से 5 ड्रॉप हमने इसमें ऐड कर दिया है। तो अब करेंगे इसे अच्छे से मिक्स, ताकि ये हमारी क्लींजिंग बन जाए। अच्छे से हमने इसे मिक्स कर लेना, ताकि ये सारी चीजें आप इसमें अच्छे से मिक्स हो जाए। तो जी ये आप देख सकते हैं कि मैंने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया और ये सारी चीजें आपस में अच्छे से मिक्स हो गई हैं। तो सबसे पहले तो जल्दी से जान लेते हैं कि आपने इसे अप्लाई कैसे करना है। अप्लाई करने का बनाना बहुत ही आसान है, ट्राई करना भी बहुत ही ईजी, लगाना तो इसे और भी ईजी है। तो लगाना आपने किस तरीके से इसे अपने फेस पे अप्लाई करना है, आपने इस तरीके से अपने फेस पे अप्लाई करना है और 5 मिनट के लिए अपने फेस पे इस तरीके से सॉफ्ट हैंड के साथ ना इस तरीके से ना मसाज करते जाना है, बिल्कुल सॉफ्ट हैंड के साथ करते जाना है। 5 मिनट आपने इसी तरीके से करना है, बाद 10 मिनट आपने इसे लगा छोड़ देना, उसके बाद आपने सादा पानी से वॉश कर लेना है। फर्स्ट टाइम इस्तेमाल करने से ना आपकी स्किन बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट मॉइस्चराइज हो जाएगी आपकी स्किन, और बहुत ही ज्यादा ना आपको सॉफ्ट और ग्लो आपकी स्किन पे आ जाएगा। बहुत ही कमाल की है, एक दफा इसे जरूर ट्राई कीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर कर दे करें और प्यारा से एक कमेंट कर जरूर बताए कि ये रेमेडी आपको कैसी लगी। तो जिन दोस्तों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और साथ लगे बेल आइकन के ऑप्शन को ऑन कर दे, साथ ऑल का ऑप्शन आएगा उसे क्लिक कर दे, ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और सबसे पहले फायदा भी आप उठा सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।